इस बार पहली गेंद डाली गई आज के हिमांशु की ओर से। सतीत लाइन के ऊपर गेंदबाजी भी की जा रही है। जय अंबे ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी है आज का। बहुत तेज रफ्तार से डाली गई थी, सतीत लाइन के ऊपर गेंदबाजी भी की जा रही है हिमांशु की ओर से। दूर वाले छोर से गेंदबाजी भी की जाए, स्ट्राइक के ऊपर कल्पेश बाबू। और इस बार पहली गेंद हवा में है, देखना होगा फील्डर पहुंच पाएंगे या नहीं। नो मैन लैंड में गिरती हुई गेंद, ऑफ द मार्क, अपना खाता भी खोलते हुए एक रनों के साथ। जो आर्यन इलेवन की ओर से जो दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर भी है, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन भी मौजूद रहता हुआ। कल्पेश बाबू और सत्तू सांबा की जोड़ी मैदान के ऊपर भी है। जो फील्डिंग की सजावट की गई है पावर प्ले में, बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एंड डीप स्क्वायरिक बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है। मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट। इस बार फिर से फ्लिक करना चाहते थे, लेग बाई का रूप में एक रन मिलता हुआ। अब स्कोर जहां पहुंचा है दो रनों के ऊपर। जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग की सजावट की जा रही है लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर भी है, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑफ सर्कल के अंदर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के अंदर भी है। और इस बार बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया है, आसान सा गया, ये पहली विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ। कल्पेश बाबू दूसरी तीसरी गेंद के ऊपर आउट होते हुए। आर्यन इलेवन को पहले विकेट का नुकसान देखने को मिलता हुआ। जो कल्पेश बाबू के रूप में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, एक रन बना के पवेलियन लौटना पड़ेगा। जो बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी की गई थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, सुफियान शेख की ओर से कैच भी लिया गया है। टाइम के अभाव, टाइम के अंदर आपको पहुंचना पड़ेगा, जो कुछ मिनट दी जाती है उसमें अंदर आपको ग्राउंड के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। आप नहीं पहुंच पाएंगे तो ये आपको पेनल्टी भी मिल सकती है, जो अंपायर के नियम अनुसार जो होगा वो आपको ये पेनल्टी दी जा सकती है। और एक दूसरा नियम भी बता देना चाहूँगा कि आप पवेलियन से ही जो अपना बैट चेंज करना है या अपना सपोर्टर से, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। कुछ ही मिनटों में आपको मैच ये स्टार्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप प्लेयर ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं, वो भी जानना जरूरी है, वो भी मिनट काउंट किया जाती है, ये YouTube लाइव है। और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई पहली गेंद के ऊपर, डॉट गेंद। आज का पहला मुकाबला भी है, दूसरा दिन है, जय अंबे इलेवन और आर्यन इलेवन के बीच में ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। अब जाफी से शॉर्ट आर्म फुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी की गई, गेंद सरी से टकराती हुई, एक अतिरिक्त गेंद डॉट मिलती हुई। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जहां पहुंचा है दो रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ऐसी दूसरी गलती नजरअंदाज की जाएगी
नजर की जाएगी तो अंपायर की ओर से पेनल्टी भी मिल सकती है। और गेंदबाजी का क्रम संभाला है जय एम्बे इलेवन की ओर से, संजय एसपी ने संभाला है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी की भी की जाएगी और स्ट्राइक के ऊपर सत्तू सांबा भी सामना करेंगे एसपी का। और इस बार हवा में गेंद या सांसा कैच, और दूसरी गेंद दूसरी विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ आर्यन इलेवन की ओर से, जो दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं। 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन इलेवन का स्कोर जा पहुंचा है। आज का ये पहला मुकाबला भी है, दूसरा दिन है, 2 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर भी आर्यन इलेवन। और बल्लेबाजी के ऊपर हार्दिक नायक को शामिल किया गया है आर्यन इलेवन की ओर से, जो तीसरे दूसरे तीसरे विकेट के ऊपर स्थान भी लिया गया है। दो बड़ी नामचीन बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा है, पहले तो कल्पेश बाबू और दूसरी मर्तबा सत्तू सांबा को लौटना पड़ा है। जो दो बड़ी विकेट थी, वो एक हिमांशु ने विकेट ले गई और दूसरी विकेट ले गई एसपी संजय ने। इसे बहुत ही चतुर चालाक से बल्लेबाजी की गई ऑफ द मार्क, अपना खाता खोलते हुए हार्दिक नायक। डीप मिड विकेट के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन इलेवन। जो स्ट्राइक के ऊपर अकरम पठान बल्लेबाजी के ऊपर आ चुके हैं, और इस बार फुल टॉस गेंदी हवा में गेंद है, देखना होगा फील्डर देना है। ये आसान सा कैच, तीसरे विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ 3 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन इलेवन। अगले बल्लेबाज के रूप में रिजवान पठान आ चुके हैं। 3 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन इलेवन का स्कोर जा पहुंचा है। 3 बड़े बल्लेबाज ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं। देखना होगा अब कैसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी की जाएगी आर्यन इलेवन की ओर से, कि पहले एक बड़ी साझेदारी की जाए, ऐसे छोटे छोटे निर्माणों टारगेट का निर्माण करना पड़ेगा यहाँ पे, जरूरी है। पहले 10 से 15 रन की पार्टनरशिप करनी होगी, फिर बाद जो सक्सेस हो जाए, फिर बाद 20 से 25 या 30 रनों की पार्टनरशिप करना बहुत ही ज़रूरी है, फिर बाद आप लंबे चौके छक्के लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार कट करते हुए कोई रन नहीं। इस बार काफी अच्छी गेंद गुडलैंड टप्पे के साथ अच्छी निकलती हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंचती हुई। और इस बार फिर से उड़ा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। आज का ये पहला 6 रन भी देखने को मिलता हुआ रिजवान पठान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन इलेवन का स्कोर जा पहुंचा है।
पावर प्ले समाप्त हो चुका है, मैंडेटरी पावर प्ले। आप 30 दायरे के बाहर आप 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात कर सकते हैं। और गेंदबाजी के ऊपर अमीन शेख को शामिल किया गया है जय अंबे 11 की ओर से। तीसरे गेंदबाज को भी शामिल किया गया है कप्तान की ओर से, जो कप्तान सिख की जा रही है सुफियान शेख की ओर से, एक्टिंग कप्तानी अमीन शेख की ओर से हो रही है। जो फील्डिंग की सजावट की जा रही है राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन डीप डीप मिड विकेट एंड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आगे चल के स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, स्टेप आउट करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब रहते हुए बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता हुआ। इस बार हवा में गेंद है, देखना होगा। मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, आसानी से एक रन चुरा लेते हुए स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 10 रन डबल अंकों में प्राप्ति कर लिया है। आर्यन 11 का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर रिजवान पठान, जो अपना छक्के के साथ खाता खोलते हुए एक महत्वपूर्ण सिक्स लगाया गया है, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर लगाया गया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब सामने अमीन शेख और रिजवान पठान भी है, जो दोनों घरेलू क्रिकेट एमसीसी महुआ की ओर से खेलते हैं। आज आमने सामने है, देखना होगा आज किसका पलड़ा भारे रहता है, बल्लेबाजी के या गेंदबाजी के ऊपर। एमसीसी 11 महुआ के कैप्टन भी है अमीन शेख। और इस बार इनसाइड आउट खेला है, मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया 6 रन। ये दूसरा छक्का देखने को मिलता हुआ अंपायर राहुल सर की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रनों के ऊपर। जो जो स्ट्रोक खेला गया है, जो लेदर बॉल में ये स्ट्रोक खेलते हैं ना, वही स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ रिजवान पठान के बल्ले से। इस बार घुटने टेक के स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता हुआ। इस बार बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई, एक अतिरिक्त गेंद डॉट निकलती हुई, जो रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर भी तैनात किया गया है रिजवान पठान के लिए। इस बार फिर से एक चिल्लाहट जरूर है विकेट कीपर की ओर से, लेकिन अंपायर ने नकारा है। काफी उत्साह भरी अपील देखने को मिलते हुए दीप पटेल की ओर से भी, जो विकेट के पीछे अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन 11। गेंदबाजी का क्रम संभाला है संजय एसपी ने, दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जाएगी। अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर लेके आ चुके हैं, जो फील्डिंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर। और इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है और गेंद रुक गई है, थोड़ी सी आउटफील्ड में नमी नजर आ रही है।
आसानी से एक रन चुरा लेते हुए स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आर्यन 11 का स्कोर जा पहुंचा है। डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट एंड डीप स्क्वेयर लेग एन, इस प्रकार जो फील्डिंग की सजावट की गई है। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर अब लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर भी तैनात किया गया है, जो इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट भी की गई है। फिर से रिवर्स अटेम्प करने की कोशिश, फिर से चिल्लाहट विकेट कीपर की ओर से, एकत्री गेंद डॉट निकलती हुई। एक बड़े स्ट्रोक के लिए ये कोशिश भी की जा रही है कि एक बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में खेला जाए। इस बार काफी अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है, तेज रफ्तार से गेंदबाजी भी की जा रही है। और मैं दोनों ही टीम को विनती करूंगा कि यहां से 4 ओवर समाप्त होने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक है, तो अपनी तैयारी दोनों ही टीम कर लीजिए। इस बार फिर से हवा में गेंद देखना होगा, नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई। अब स्कोर जहां पहुंचा है 17 रनों के ऊपर, सॉरी 18 रन। स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक नायक भी है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर रिजवान पठान की जोड़ी, एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश भी की जा रही है, एक लंबी साझेदारी की जाए अपनी टीम के लिए और खुद के लिए भी। बस फिर से जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक फील्डर फील किया जाए थ्रो दिया जाए, आसानी से एक रन चुरा लेते हुए स्कोर में बढ़ती होती हुई 19 रनों के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर भी है, 19 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर भी है आर्यन 11। इस बार फिर से जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया है शॉर्ट डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक जहांगीर फील्डिंग करते हुए बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों के ऊपर, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और आगे का हल सुनाएंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर्स कल्पेश चौधरी सर को, विनती करूंगा कि आगे की 4 ओवर का हल सुनाया जाए कॉमेंट्री बॉक्स में।
आज के दिन का यह पहला मैच जय अंबे इलेवन वर्सेस आर्यन इलेवन के बीच में खेला जा रहा है। जय अंबे इलेवन ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया, आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी के लिए आर्यन इलेवन को। पहले चार ओवरों से आर्यन इलेवन द्वारा बनाए जा रहे हैं 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आमिन शेख कोटे का उनका ये दूसरा ओवर पारी का पांचवा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। अब बल्लेबाजी के ऊपर रिजवान पठान 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर हार्दिक नायक मौजूद 15 गेंदों के ऊपर 17 रनों की पार्टनरशिप बनाई गई है दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। ओवर डिलीवरी रिवर्स भी अटेम्प्ट करना चाहा लेकिन डॉट गेंद में परिवर्तित होती हुई गेंद, देखिए डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है यहाँ पर आमिन शेख द्वारा। क्या खूबसूरत गेंदबाज है, कोटे का पहला ओवर करते हुए केवल 7 रन खर्च किए गए थे आमिन शेख द्वारा। इस बार डीप इन क्रीज गए मिड विकेट के ऊपर से देखे 6 रन, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर रिजवान पठान द्वारा। इन 6 रनों के साथ आर्यन इलेवन स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 26-26 रन। पहली डॉट गेंद फिर दूसरी गेंद पे 6 रनों के साथ वापसी की जा रही है रिजवान पठान द्वारा। काफी लंबी कटकारी के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है आर्यन इलेवन की ओर से। पहले 3 विकेट गिर गए थे केवल 3 रनों के ऊपर, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर रिजवान पठान द्वारा। ये बेहतरीन गेंदबाजी इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन्स की दिशा में, जब तक कि फील किया गया ओवर आर्म थ्रो दिया गया तब तक 1 रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27 रन। पारी का ये पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर आमिन शेख। अब स्ट्राइक पर आया हार्दिक नायक, स्लोअर डिलीवरी क्या खूबसूरत इस बार 1 रन के लिए काफी तेजी से निकला गया है। देखिए 22 के रूप में 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। इस 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 28-28 रन। पारी का यह पांचवा ओवर। अब बल्लेबाजी के ऊपर रिजवान पठान काफी कुछ निर्भर करते हैं उनकी बल्लेबाजी के ऊपर। गुड लाइन डिलीवरी क्या खूबसूरत इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। टाइम किया गेंद को, वेट किया, बॉडी के नजदीक गेंद को आने दिया और 6 रनों में तब्दील किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 34-34 रन। 16 गेंदों का देखिए सामना किया जा रहा है रिजवान पठान की ओर से, 27 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जिसमें 4 सिक्सर शामिल। बेहतरीन बल्लेबाजी, जब 3 रनों पे 3 विकेटें गिर चुकी थी तब रिजवान को शामिल किया गया था बल्लेबाजी के ऊपर। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहा, सीधी पैरों से टकराती हुई गेंद 1 रन के लिए काफी तेजी से निकला जा रहा है। देखे लेग बाई के रूप में 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 ओवरों की समाप्ति के ऊपर आर्यन इलेवन 35-35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत गेंदबाजी देखने को मिली संजय द्वारा। कोटे के 2 ओवर करते हुए केवल 11 रन खर्च किए गए थे, 2 सफलताएं हासिल की गई थी। अब 31 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी, देखिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी, जैसे कि मेरे साथी कमेंट्रेटर ने बताया था कि 25-30 रनों की साझेदारी की आवश्यकता है। एक बेहतरीन बल्लेबाजी की जा रही है यहाँ पर रिजवान पठान द्वारा, निजी 27 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक को शामिल किया गया है देखिए नए गेंदबाज के तौर पर। कोटे का उनका यह पहला ओवर, पारी का 4th ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद की देखिए, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है हार्दिक द्वारा। बल्ले से लगातार दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है गेंद को हार्दिक द्वारा। नो बॉल का इशारा, देखिए फ्रंट फुट नो बॉल। देखिए आज के दिन की यह पहली फ्री हिट, पहले डॉट गेंद की गई थी, अब अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर बढ़ता हुआ
36 अब ये फ्री हिट रहेगी, सामने बल्लेबाज रिजवान पठान, नजरें जरूर टिकी रहेगी सभी प्रेक्षक गणों की रिजवान पठान के ऊपर, फ्री हिट के ऊपर। इस बार घुटना टेका गया, ड्राइव लगाया गया, रन आउट होने का जरूर खतरा था वहां पर, नकारा गया रन के लिए रिजवान पठान द्वारा, साथी बल्लेबाज। ये बेहतर डिलीवरी देखिए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 36 रन। ये पारी का छठा ओवर, प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर है हार्दिक, बल्लेबाजी के ऊपर रिजवान पठान, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर हार्दिक नायक। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बार हुक किया गया है, गेंद जा रही है देखिए शॉर्ट पॉइंट फाइन लेग की दिशा में, जब तक कि फील्ड किया गया तब तक एक रन इस एक रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 37 33 रन। पारी का छठा ओवर, प्रगति के ऊपर हार्दिक द्वारा। ये फुल टॉस गेंद देखिए, ऊपरी किनारा लगता हुआ बल्ले का, केवल एक रन, गेंद गई वहां पर मिड ऑफ के स्थान पर। इस एक रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 38। अभी तक किफायती ओवर देखिए देखने को मिल रहा है हार्दिक द्वारा, पिछले 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए गए हैं, रनों की गति पर रोक लगाने में जरूर कामयाब रहे हैं हार्दिक। एक अच्छी सोच कप्तान द्वारा हार्दिक को शामिल करने की नए गेंदबाज के तौर पर। क्या खूबसूरत है जड़ों में डाली गई गेंद, अनप्लेएबल बॉल। इस बीच डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद आर्यन 11 से 38 38 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। किफायती गेंदबाजी देखिए, केवल 3 रन खर्च किए गए हार्दिक द्वारा। कल के दिन से लोएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो 61 61 रन बनाए गए थे, और हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो 99 रन बनाए गए थे। हिमांशु देखिए कोटे का, उनका ये दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने हार्दिक नायक, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर है रिजवान पठान। फुलटॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गया है, ये बेहतरीन वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस की दिशा में, 6 रनों के साथ देखिए स्वागत किया जा रहा है हिमांशु का हार्दिक नायक द्वारा। इन 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 44 44 रन। ये बेहतरीन गया, देखिए डॉट गेंद के साथ वापसी की जा रही है यहाँ पर गेंदबाज हिमांशु द्वारा। पहले ही गेंद पे 6 रनों के साथ स्वागत किया गया था, दूसरी डॉट गेंद के साथ वापसी की जा रही है हिमांशु द्वारा। क्या खूबसूरत, एक और बार, इस बार ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्सर, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। अब देखिए दोनों छोरों से रन बटोरे जा रहे हैं, 6 रनों के साथ आर्यन 11 50 का आंकड़ा छू चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी देखिए हार्दिक नायक की ओर से। अब स्कोर जा रहा है, जा पहुंचा है 50 रन पारी का, 7वां ओवर, हिमांशु है गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर हार्दिक नायक, नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर रिजवान पठान। इस बार डाउन द ग्राउंड रन आउट होने का खतरा है हार्दिक नायक।
17 रनों के देखे महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की गई अपनी टीम के लिए। 50 रनों पर लगने वाला यह चौथे विकेट का नुकसान हार्दिक नायक के रूप में। दिव्यस पटेल को शामिल किया गया है मिडल ऑर्डर के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज के तौर पर, छठे क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज आर्यन इलेवंस की ओर से। पारी का यह सातवां ओवर है। हिमांशु है गेंदबाजी के ऊपर। अब रिजवान पठान देखिए 28 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 23 गेंदों का सामना किया गया है जिसमें 4 सिक्सर शामिल। लोअर डिलीवरी, हवा में गेंद, इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों का इशारा। इन 6 रनों के साथ आर्यन इलेवंस 56, 56 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखिए। अब करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 8.20 का करंट रन रेट। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, खूबसूरत गेंदबाजी, तेज गति के साथ देखिए वहां पर गेंदबाजी की गई है। यहां पर फेनिल बाबू सर पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। स्कोर रुका हुआ 56, 56 रन, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब पारी का ये अंतिम ओवर, सामने बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज दिव्यस पटेल, हार्दिक आया है कोटे का, उनका ये दूसरा ओवर पारी का अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग मार्क के ऊपर। कोटे का पहला ओवर काफ़ी किफायती रहा था, केवल 3 रन खर्च किए गए थे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जेएमबी इलेवंस की ओर से हार्दिक। एक क्या खूबसूरत इस बार अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाती हुई वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पर केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ देखिए स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 57, 57 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर रिजवान पठान, अंतिम 5 गेंदे, देखना होगा कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। निजी 34 रनों के ऊपर खेल रहे हैं। एक डॉट गेंद, अब स्कोर रुका हुआ 57, 57 रन, पारी का अंतिम ओवर। ये क्या खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, ये काफी लंबा सिक्सर। रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 63-63 रन, पारी का ये अंतिम ओवर, अंतिम 3 गेंदे, सामने बल्लेबाजी के ऊपर रिजवान पठान, निजी 40 रनों के ऊपर खेल रहे हैं। खूबसूरत बल्लेबाजी, ये जड़ों में डाली गई गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखिए। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, स्कोर रुका हुआ 63-63 रन, पारी का अंतिम ओवर, अंतिम 2 गेंदे।
ये क्या खूबसूरत देखे इस बार गेंदबाजी की गई है। क्या खूबसूरत देखिए, 2 रन पूरे किए गए हैं, फंबल होती हुई गेंद, स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 65-65 रन अंतिम गेंद इस ओवर से। नौ बॉल का ही सर अंतिम गेंद के ऊपर, गेंद 6 रनों के लिए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस के ऊपर से 7 रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या खूबसूरत देखे सिक्सर्स नौ बॉल के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है देखे 72, फाइटिंग स्कोर खड़ा कर चुकी है आर्यन इलेवन। फ्री हिट रहेगी अंतिम गेंद, सामने बल्लेबाज रिजवान पठान 48-48 रनों के ऊपर, केवल 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। आइए डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया है, 1 रन काफी तेजी से लिया जा रहा है, गेंद जा रहे वाइड स्लोग बाउंड्री लाइन के लिए, 2 रन के लिए निकल पड़े। देखिए 2 रनों के साथ देखिए 8 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और रिजवान पठान 31 बॉल के अंदर 50 रन अपना अर्धशतक जड़ते हुए दूसरे ऐसे बल्लेबाज है जिसने इस टूर्नामेंट में अपना अर्धशतक कंप्लीट किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी रिजवान पठान द्वारा। स्कोर जा पहुंचे 74-74 रन। अब जय अंबे इलेवंस को निर्धारित 8 ओवरों के अंदर 75 रन बनाने होंगे। इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा महादेव इलेवंस वर्सेस सीएसके इलेवंस की ओर से। दोनों ही टीम अगर इधर आ चुकी है तो डगआउट में ही बैठना है। मोहव्या प्रीमियर लीग डे 2 आज का पहला मुकाबला जय अंबे इलेवन वर्सेस आर्यन इलेवन के बीच। पहले देखिए टॉस जीता गया जय अंबे इलेवन की ओर से, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया गया, फलस्वरूप निर्धारित 8 ओवरों के अंदर आर्यन इलेवन द्वारा बनाए गए 74 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर लक्ष्य दिया गया 75-75 रनों का। खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिली वहां पर रिजवान पठान के द्वारा, 31 गेंदों में 50 रन की एक अच्छी लंबी पारी खेली गई, नाबाद रहे जिसमें 7 सिक्सर शामिल। खूबसूरत बल्लेबाजी रिजवान पठान द्वारा। गेंदबाजी की ओर रुख करें तो हिमांशु द्वारा कोटे के 2 ओवर करते हुए 19 रन खर्च किए गए जिसमें एक सफलता शामिल। संजय द्वारा कोटे के 2 ओवर करते हुए 11 रन खर्च किए गए जिसमें 2 सफलताएं शामिल। अमिन शेख द्वारा कोटे के 2 ओवर करते हुए 20 रन खर्च किए गए, कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। हार्दिक द्वारा कोटे के 2 ओवर करते हुए 21-21 रन खर्च किए गए, कोई सफलता हासिल नहीं।
आर्यंस इलेवन जल्द से जल्द अपना फील्ड सेटअप करे, जयंबे इलेवन अपनी प्रारंभिक जोड़ी को बीच मैदान के ऊपर भेजे। अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रारंभिक चार ओवरों के लिए रवि भाई मिस्त्री सर, मेरे साथी कमेंटेटर हैं। ओवर टू रवि मिस्त्री फॉर द नेक्स्ट फोर ओवर्स। थैंक यू, धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स कल्पेश चौधरी सर, बहुत ही खूबसूरत है सुरीली आवाज़ में कमेंट्री बॉक्स में आवाज़ सुनाई आपने। और दूसरी इनिंग की प्रारंभ भी हो चुकी है जय एमबी इलेवन की ओर से, दोनों ही सलामी बल्लेबाज जसवंत जेका और सुफियान शेख की जोड़ी मैदान के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की गई है जसवंत जेका की ओर से। जसवंत जी का बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज भी है, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन भी मौजूद रहेगा जे एम बी इलेवन की ओर से। और पहली मरतबा सुफियान शेख स्ट्राइक के ऊपर देखने को मिले हैं और गेंदबाजी के ऊपर यतीन मासी सारा को शामिल किया गया है। और इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, देखना होगा अंपायर का इशारा राहुल सर की ओर से। छह रनों के लिए आज का ये दूसरी इनिंग का ये पहला छक्का भी है जय अंबे इलेवन की बात छेड़ी जाए तो, तब स्कोर में बढ़ती होती भी 7 रन। जो रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किया गया कल्पेश बाबू को, इस बार जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को भी खेला गया है। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का नजारा भी देखने को मिलता है अक्रम पठान की ओर से, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, मिड ऑन सर्कल के अंदर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, शॉर्ट कवर सर्कल के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट भी की गई है। इजाफी से जोर से बल्ला घुमाया था लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी भी की जा रही है यतीन मासी सादरा की ओर से, जो आर्यन इलेवन की ओर से गेंदबाजी सौंपी गई है कप्तान उमंग राठौड़ की ओर से, एक अच्छी कप्तान से भी की जाएगी। और इस बार हवा में गेंद है, देखना होगा ये पहले विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ कप्तान उमेश राठौड़ ने कैच पकड़ते हुए अपनी पहली सफलता अर्जित करते हुए आर्यन इलेवन की ओर से। 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जय अंबे इलेवन का स्कोर जा पहुंचा है, जो सुफियान शेख के रूप में आउट होने वाला पहला झटका लगता हुआ। अगले बल्लेबाज के रूप में दीप पटेल मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं।
एक लेफ्टी बल्लेबाज आउट होने के बाद दूसरे लेफ्टी को भी शामिल किया गया है। लेफ्टी बल्लेबाज को बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज भी है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी है, जो कप्तान अमीन शेख की ओर से जो बल्लेबाज को भेजा गया है, एक जिम्मेदारी वाली पारी खेलने की कोशिश भी की जाएगी। सात रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर जय एमबी इलेवन का स्कोर जा पहुंचा है। बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया था और अंपायर राहुल सर की ओर से वाइट करार भी दिया गया है। एक अतिरिक्त रन के साथ खाते में जुड़ता हुआ आठ रनों के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत कहां जानी चाहिए दोनों ही टीम की ओर से, जो पहले छक्का लगाया गया, फिर सिंगल लिया गया, फिर बाद गेंदबाजी वाली टीम की ओर से एक विकेट भी लिया गया है। और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट गली दोनों के बीच में से ही स्ट्रोक को खेला गया। वो जानती थी कि हाँ गैप है कि ऊपर से स्ट्रोक को खेला जाए। अब स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई डबल अंकों में प्राप्ति कर लिया है। स्कोर जहां पहुंचा है 12 रनों के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर आर्यन इलेवन की ओर से जो गेंदबाजी सौंपी गई है, अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेके आ चुके हैं प्रियांक, जो घरेलू क्रिकेट निहाली की ओर से खेलते हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन बॉल और बैट का कोई संगम नहीं देखने को मिलता। इस बार जड़ में डाली गई गेंद प्रियांक की ओर से, सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी भी की जा रही है। जो रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर कल्पेश बाबू को शामिल किया गया है। इस बार फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है जसवंत जैका की ओर से, लेकिन नाकामयाब रहते हुए पहली दो गेंदों के ऊपर दो रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। जो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग की सजावट की गई है डीप मिड विकेट एंड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, मिड ऑफ मिड ऑन डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग, इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट की गई है। पावर प्ले में गेंदबाजी भी की जा रही है प्रियांक की ओर से। इस बार काफी लगातार अच्छी गेंदबाजी भी की जा रही है, विकेट के पीछे अच्छा कार्य भी किया जा रहा है रिजवान पठान की ओर से, जो एक अच्छी बल्लेबाजी भी की गई है रिजवान पठान की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर से स्लिप स्ट्रोक खेला गया है डीप स्क्वायर लेग फाइन, यहाँ पर दूसरे की भी चेष्टा की गई, एक
अच्छी रनिंग बिटवीन भी देखने को मिलती हुई जसवंत जेका और दीप पटेल के बीच में। जो आर्यन इलेवन की बात छेड़ी जाए जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, रन बनाए गए हैं 74 रन बनाए गए थे 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और आज का ये दूसरे दिन का ये पहला 50 रन भी बनाए गए थे रिजवान पठान की ओर से। इस बार जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया है, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग मिड ऑफ सर्कल के अंदर भी है। यतीन वासी सादा शामिल किया गया है। जो इस टूर्नामेंट में दूसरे अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं रिजवान पठान। कल पिंटू पटेल ने 50 रन बनाए गए थे, 53 रन बनाए गए थे 17 गेंदों के ऊपर, 53 रनों की पारी खेली गई थी। आज रिजवान पठान ने 31 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए हैं। इस बार खूबसूरत रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है डीप पॉइंट और डीप गली के बीच में से, शॉर्ट गली और शॉर्ट पॉइंट के बीच में से स्ट्रोक को खेला गया है और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब स्कोर में बढ़ोतरी हुई 18 रनों के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात छेड़ी जाए तो 9.5 की रिक्वायर्ड रन रेट बताई जा रही है क्रिक हीरो के ऊपर। जो आज के अंपायर की सेवा दी जा रही है अर्जुन टंडेल सर और राहुल सर की ओर से, ऑन फील्ड अंपायर क्रिक हीरो के स्कोरर सुमित गरासिया और यूट्यूब चैनल के एवीपी नेटवर्क यूट्यूब लाइव और मेरे साथी सहयोगी कॉमेंटेटर्स कल्पेश चौधरी सर और रवि मिश्री सर, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज दूसरा दिन है, आज पहला मुकाबला भी है। जो पहले मुकाबले में पहली इनिंग में 74 रन बनाए गए हैं और जीतने के लिए 75 रन का लक्ष्य भी दिया गया है जय अम्बे इलेवन को। और दो ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है दूसरी इनिंग की और स्कोर जा पहुँचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो दर्शक देरी से पहुँचे हुए मैदान के ऊपर क्विज लिखा जोखा बताया गया है कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से। और इस बार फिर से हवा में गेंद देखना होगा, ये कैच ड्रॉप होता हुआ, पहले गेंद डालना फिर बाद कैच फॉलो थ्रू में कैच उठाना, ऐसे तो बहुत ही कठिन कार्य भी है लेकिन जरूर कैच हाथ में आई हो तो कैच छूटा तो कैच छूटना ही, हाथ में गेंद गिरी तो निश्चित तरह से ये कैच छूटा माना जाता है। अब स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैं कल्पेश चौधरी साहब को मैं विनती करना चाहूंगा कि जो दूसरा मुकाबला है सीएसके 11 और महादेव 11 के बीच में मुकाबला है तो दोनों कप्तान को मैं विनती करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाइए, अपनी प्लेइंग 11 भी दर्ज करवा लीजिए आप। इस बार फुल टॉस गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए डिप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया है। अब स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 23 रन 23 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डिंग की जा रही है सत्तू सांबा की ओर से, मिसफील्ड देखने को मिलते हुए और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब स्कोर में बढ़ोतरी हुई 27 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक एडवांस कॉल भी दिया जाएगा, सीएसके 11 और महादेव 11 के बीच में मैच होगा, उसके लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान को मैं विनती करूंगा कि कॉमेंट्री बॉक्स का संपर्क किया जाए और प्लेइंग 11 भी ऐड किया जाए जो आपको लिंक भेजी गई है क्रिक हीरो के सर की ओर से। और इस बार बहुत ही खूबसूरत फ्लिक किया गया है जसवंत जेका की ओर से, ऐसी गेंद देंगे तो हर
सवेरे से शाम तक ये मारते रहेंगे, चौके छक्के लगाते रहेंगे। अब स्कोर जहां पहुंचा है 33 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। मैं दोनों कप्तान को विनती करूंगा कि आने वाली 5 मिनट के अंदर आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचिए टॉस के लिए। महादेव 11 और सीएसके 11 के कप्तान को विनती करूंगा कि 5 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। इस बार फिर से लोवर फुल टॉस गेंद थी, काफी अच्छी फील्डिंग है अपनी टीम के लिए, 2 रन महत्वपूर्ण बचाए भी गए हैं। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डिंग की जा रही है आर्यन की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है 35 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर भी है, आने वाली 31 गेंदों के ऊपर चाहिए 40 रन जो रिक्वायर्ड रन रेट बताई जा रही है 7.74 की। इस बार काफी अच्छी गेंद जड़ में डाली गई। सीएसके के कप्तान आ जाए, जो महादेव इलियन के कप्तान भी आ चुके हैं अब टॉस के लिए। अपने प्लेइंग 11 भी जो लिंक भेजी गई है उसके ऊपर आपको ऐड करना होगा। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर जेएमबी 11 का स्कोर जा पहुंचा है। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 40 रन चाहिए जो रिक्वायर्ड रन रेट क्रिक हीरो के ऊपर बताई जा रही है। रिक्वायर्ड रन रेट है 8, प्रति ओवर 8 रन बनाने होंगे ये मैच जीतना चाहेंगे तो कल्पित सर। कल्पित सर और एक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ये बड़ी पार्टनरशिप भी है दूसरे विकेट के ऊपर, जो 13 गेंदों के ऊपर 28 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, जो टीम के लिए और खुद के लिए भी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी की गई है जसवंत जैका और दीप पटेल के बीच में। और इस बार हवा में गेंद है, ये आसान सा कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया है अक्रम पठान की ओर से। दूसरे विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर अक्रम पठान फील्डिंग की गई थी, बहुत ही खूबसूरत कैच भी लिया गया है। विकेट गिरा है तो आप पानी लेके पहुंच सकते हैं, जो अंपायर ने कॉल्स दिया गया है। पैंतीस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगले बल्लेबाज के रूप में मेरे ख्याल से अमीन शेख आने वाले होंगे। एक बड़ा कॉल्स भी है, कुछ ही मिनटों में आपको मैदान के ऊपर पहुंचना पड़ता है अमीन भाई, वो भी ध्यान में रखा जाए। और दूसरी एक बात बता देना चाहूंगा कि जो 12th मैन है कंपलसरी शूज पहन के ग्राउंड के अंदर वैलिड करना पड़ता है, ये बहुत ही जरूरी भी है, ये यूट्यूब लाइव भी है वो बहुत ही जरूरी है, ये पेनल्टी भी लग सकती है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, जो कोई ग्राउंड के अंदर जाएगा वो शूज या 12th मैन वगैरह ही जा सकता है, जो बताया गया है वो नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी भी है।
इस बार ऑफ द मार्क होते हुए पॉइंट के ऊपर फील्डिंग की जा रही है हार्दिक नायक की ओर से, ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए अमीन शेख, स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, जय एमबी 11 का स्कोर जा पहुंचा है। ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर भी है, दौड़ गेंद शॉर्ट आर्म फुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी की गई थी जसवंत जेका की ओर से, एक अतिरिक्त गेंद डॉट निकलती हुई, चौथा ओवर प्रगति के ऊपर भी है। आने यहां से आने वाली तीन गेंद भी सीएस है, आने वाली 27 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए, 39 रन। और एक फिर से एडवांस कॉल देना चाहूंगा कि सीएसके के कप्तान को भेजिए कॉमेंट्री बॉक्स में, इस बार फिर से छोटी गेंद थी, डॉट गेंद रहती हुई, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया लंबा 6 रन जसवंत जेका की ओर से लगाने वाला ये तीसरा छक्का देखने को मिलता हुआ। सॉरी माफ कीजिए, ये दूसरा छक्का देखने को मिलता हुआ जसवंत जेका की ओर से, 15 गेंदों के ऊपर 29 रनों की पारी खेली जा रही है, 2 छक्के 3 चौके की मदद से टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और यहां पर विकेट का पतन देखने को मिलता हुआ, बिल्स नहीं गिरी, ये लक है या कल्पित सर, ये लक बोलते हैं। रिव्यू सिस्टम नहीं है। अब स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 4 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए। और आगे का हल सुनाएंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर कल्पेश चौधरी सर को, मैं विनती करूंगा कि आगे की 4 ओवर का हल सुनाया जाए, बहुत ही सुरीली आवाज में आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी कल्पेश सर की ओर से। ओवर टू कल्पेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमेंटेटर रवि मिस्त्री सर। पारी के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जेएमबी 11 से पहुंच चुके हैं 42 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, पीछा किया जा रहा है 75 रनों का, 24 गेंदों में 33 रनों की दरकार है। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश बाबू कोटे का उनका यह पहला ओवर, पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहली गेंद रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहा, गेंद जा रही है वहां पर डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, डाउन द ग्राउंड, 4 रनों का इशारा सुनिश्चित किया जा रहा है अंपायर महोदय अर्जुन टंडेल सर की ओर से। 4 रनों के साथ देखिए स्कोर इस बीच आगे बढ़ता, 46-46 रन अब स्कोर होने जा रहा है महादेव 11 वर्सेस सीएसके के बीच। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाए, आज के दिन का दूसरा मुकाबला, एक और रिवर्स स्वीप, देखिए इस बार हवा में गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में, क्या खूबसूरत कैच, अपना आसान सा विकेट गंवाते हुए अमीन शेख, 46 रनों के ऊपर लगने वाला है तीसरे विकेट का नुकसान। टॉस हो चुका है देखिए महादेव 11 और सीएसके के बीच में, जिसमें सीएसके ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया है। 46 रनों पर तीसरा विकेट गवा चुकी है जेएमबी 11, पीछा किया जा रहा है 75 रनों का, पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्यन 11 द्वारा बनाए गए थे 74 रन निर्धारित 8 ओवरों के ऊपर। हिमांशु को देखे भेजा जा रहा है नए बल्लेबाज के ऊपर,
खूबसूरत बल्लेबाजी देखी की जा रही है जयका द्वारा। 16 गेंदों में 29 रनों पर नाबाद खेल रहे, जिसमें 3 चौके 2 सिक्सर शामिल। हिमांशु जा रहे देखे नए बल्लेबाज के तौर पर। अब यहां से 22 गेंदों के ऊपर 29 रनों की दरकार है। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश बाबू, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास किया गया, आगे आकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया। काफी तेज गेंदबाजी, डॉट गेंद में तब्दील होती हुई यह गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 46 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 5वां ओवर। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश बाबू, बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज हिमांशु। अमीन शेख की जगह पर शामिल किया गया है हिमांशु को। फ्लो फुल टॉस गेंद इस बार कट किया गया है। देखिए गेंद जा रही है वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की दिशा में। क्या खूबसूरत 4 रनों का इशारा वहां पर अंपायर महोदय की ओर से। 4 रनों के साथ देखिए जय अंबे 11 50 का आंकड़ा छू चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी। बीस गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 25 रनों की दरकार है जय अंबे 11 को। फील्ड में हल्की सी तब्दीली की जा रही है। एक डीप पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, स्लोवर डिलीवरी। क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखिए अपील की जा रही है, नकारा जा रहा है अंपायर द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद। गुडलैंड डिलीवरी, हवा में गेंद सीधी खड़ी होती हुई गेंद और कैच ड्रॉप होता हुआ। देखिए भाग्य का सहारा मिलता हुआ, भाग्य का सहारा मिलता हुआ एक रन जरूर जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर इस बीच 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर जय अंबे 11 51 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदों के ऊपर 24 रनों की दरकार। एक लंबी चर्चा विचारणा की है होने जा रही है बीच मैदान के ऊपर। देखिए कम से कम समय व्यतीत किया जाए। अब 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार है जय अंबे 11 को इस मैच को जीतने के लिए। अक्रम पठान आए हैं देखिए गेंदबाजी के ऊपर। कोटे का उनका यह पहला ओवर पारी का 6ठा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने बल्लेबाज हिमांशु नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जय का। क्या खूबसूरत हुक किया गया डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन आते ही। देखिए अक्रम पठान का 6 रनों के साथ स्वागत किया जा रहा है हिमांशु। 6 रनों के साथ जय अंबे 11 57 57 रन पारी का ये 6ठा ओवर। अब 17 गेंदों में 18 रनों की दरकार देखिए।
खूबसूरत गेंदबाजी, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखे वहां पर देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर। इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, एक रन के लिए काफी तेजी से निकला गया है, पीछा किया जा रहा है गेंद का, जब तक की गेंद को ढूंढा गया ओवर आर्म थ्रो दिया गया तब तक दो रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बाई के स्वरूप में दो रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। इन दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता 59-59 रन। अब 16 गेंदों में 16 रनों की दरकार, परिस्थितियां समानांतर हो चुकी है। देखिए यहां पर 16 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। इस बार देखिए फ्लॉग स्विप किया गया, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, हाफ वे में जाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की दिशा में कैच लिया गया। क्या खूबसूरत कैच, 59 रनों पे लगने वाला ये चौथे विकेट का नुकसान हिमांशु के रूप में। जहांगीर शेख देखे राइट हैंड बल्लेबाज, महत्वपूर्ण बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। अब यहां से 15 गेंदों में 16 रनों की दरकार है, जहांगीर शेख को शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट, क्या खूबसूरत, इस बार डीप पॉइंट के ऊपर, डीप बैक पॉइंट के ऊपर से 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 65-65 रन। अब 14 गेंदों में 10 रनों की दरकार, फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से जैसे दिखाई गई वहां पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर्स के सामने हल्की सी मिसफील्ड होती हुई वहां पर। एक रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 66-66 रन। स्लो ओवर डिलीवरी देखिए, चकमा खाती हुई गेंद, डॉट गेंद के साथ देखिए इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, जय अम्बे 11, 66-66 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब अगली 12 गेंदों के ऊपर 9 रनों की दरकार है जय अम्बे 11 को इस मैच को जीतने के लिए। अल्पेश बाबू देखिए कोटिका, उनका ये दूसरा ओवर पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ों में डाली गई गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखिए, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है गेंदबाज अल्पेश बाबू द्वारा, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद इस बार कट किया गया है, देखिए गेंद जा रही है डी पॉइंट के स्थान पर, जब तक कि गेंद का पीछा किया, फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए निकल पड़ा है, जब तक कि ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर है रिजवान पठान की ओर, तब तक दो रन। अब 10 गेंदों में 7 रनों की दरकार, ये रनों का फासला कम होता हुआ, क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर जहांगीर और जयका के बीच। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करने का प्रयास देखिए, इस बार शॉर्ट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68-68 रन, पारी का ये 7वां ओवर, गेंदबाजी के ऊपर है कल्पेश बाबू, बल्लेबाजी के ऊपर जहांगीर शेख, लंबे कदकाठे के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है जय अम्बे 11 की ओर से। पटकी हुई गेंद देखिए, हुक करने का प्रयास जरूर किया गया था,
अब 8 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। डॉट गेंद जितनी आएगी उतना ही दबाव बनता जाएगा वहां पर बल्लेबाज के ऊपर। खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है अंतिम ओवरों में कल्पेश बाबू द्वारा। ये लो फुल टॉस बनाकर स्ट्रेट ड्राइव किया गया, हवा में गेंद नीचे, फील्डर मौजूद, खूबसूरत कैच, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की दिशा में कैच को लिया गया। ये 68 रनों पे लगने वाला है 5वें विकेट का नुकसान। अब 7 गेंदों के अंदर 7 रनों की दरकार। संजय को शामिल किया है, देखिए दाहिने हाथ के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। अब 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। स्कोर रुका हुआ है 68-68 रनों के ऊपर। पारी का यह 7वां ओवर गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश बाबू, खूबसूरत गेंदबाजी की गई है। कोटे का 2रा ओवर लेकर आए हैं। पारी का यह 7वां ओवर, 2 सफलताएं हासिल की गई है कल्पेश बाबू द्वारा। अब संजय को शामिल किया गया नए बल्लेबाज के तौर पर। 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार। फील्ड में हल्की सी तब्दीली की गई है, डीप फाइन लेग को शामिल किया जा रहा है। देखिए वहां पर लॉन्ग ऑफ बॉल, सिली मिड ऑन शामिल किया गया है। देखिए एक सिली मिड ऑफ, एवेडेड बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 69-69। अब 7 गेंदों के अंदर 6 रनों की दरकार। ये सिंगल से रोकने का प्रयास किया जा रहा है देखिए गेंदबाज के द्वारा। सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ तो शामिल किया गया। एक शॉर्ट पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। क्या खूबसूरत इस बार ड्राइव हवा में गेंद, खूबसूरत कैच लिया गया इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में। ये दबाव बनाया गया था देखिए, सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ रख के सिंगल से रोकने के प्रयास में, ड्राइव करने के प्रयास में आसान सा कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में। इस प्रकार 69 रनों पे लगने वाला है 6ठे विकेट का नुकसान। अंतिम गेंद पे विकेट चटकाया गया कल्पेश बाबू के द्वारा। कोटे के 2 ओवर करते हुए किफायती गेंदबाजी, केवल 12 रन खर्च किए गए, 3 सफलता शामिल। 6 गेंदों में 6 रनों की दरकार। हार्दिक को शामिल किया गया है देखिए, बाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज। देखिए अब 6 गेंदों के अंदर 6 रनों की दरकार है। 69 रनों पे अटका हुआ स्कोर जय अम्बे इलेवंस 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक लंबा चर्चा विमर्श, विचार विमर्श किया जा रहा है वहां पर गेंदबाजी के ऊपर आर्यन इलेवंस की ओर से। यतीन आए देखे कोटे का, उनका ये 2रा ओवर, पारी का अंतिम ओवर लेकर 6 गेंदों के ऊपर 6 रनों की दरकार है जय अम्बे इलेवंस को इस मैच को जीतने के लिए। फील्ड की अगर बात की जाए तो मिड ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप बैक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन,
एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पंज कट किया गया, देखे गेंद गई वहां पर डीप बैक पॉइंट के स्थान पर, जब तक कि फील्ड किया गया ओवर आर्म थ्रो दिया गया तब तक एक रन। अब यहां से पांच गेंदों के अंदर पांच रनों की दरकार है जय अम्बे इलेवंस को। स्कोर जो पहुंचा है 70 रन 70 छः विकेट के नुकसान के ऊपर। ये पारी का अंतिम ओवर। अब नए बल्लेबाज हार्दिक आए हैं, बाएँ हाथ के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, फील्ड में हल्की सी तब्दीली देखने को मिलेगी। यही का देखिए खेल रहे हैं निजी 30 रनों के ऊपर, 18 गेंदों का सामना किया गया है जिसमें 3 चौके 2 सिक्सर शामिल। फील्ड को काफी क्लोज रखा गया है, जय देखिए एक शॉर्ट फाइन लेग। मिड ऑफ डीप मिड विकेट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ और एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग को भी शामिल किया गया है। देखिए शॉट एक्स्ट्रा कवर, आगे आकर खेलने का प्रयास किया गया। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, अब 4 गेंदों के ऊपर 5 रनों की दरकार। एक चर्चा विचारणा होने जा रही है, कुछ अनुभव का निचोड़ दिया जा रहा है वहां पर जयका द्वारा। हार्दिक के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, अब दबाव बढ़ता हुआ वहां पर जय अम्बे इलेवंस के बल्लेबाजों के ऊपर। 4 गेंदों के ऊपर 5 रनों की दरकार है। सामने हार्दिक गेंदबाजी के ऊपर यतीन, बाहरी किनारा लगा गेंद जा रही है वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, जब तक कि फील्ड किया गया अंडर आर्म थ्रो दिया गया गेंद विकेट कीपर के स्थान पर, तब तक 1 रन। अब स्कोर जा पहुंचे 71 71 रन, अब 3 गेंदों के ऊपर 4 रनों की दरकार। देखिए देखिए डीप पॉइंट के फील्डर को शामिल किया जा रहा है शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, काउस कॉर्नर और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। डीप पॉइंट को भी वहीं पे रखा गया है, देखिए एक डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, काउस कॉर्नर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। लो फुल टॉस गेंद, गुड नॉट टेका गया, विनिंग शॉट 6 रन। क्या खूबसूरत इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के साथ, देखिए जय अम्बे इलेवंस ने अपना मैच जीत लिया है। इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा सीएसके वर्सेस महादेव इलेवंस के बीच, जिसमें सीएसके ने टॉस को जीता है, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया है।